हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पोको M3 Pro 5G मोबाइल के साथ Realme 8 5G मोबाइल को, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन की जो प्राइस है वो आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलेगी एंड दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब बात यह है, अगर आप दोनों में से किसी भी फोन को लेने के लिए चाहते हो तो कौन सा लेना आपके लिए सही है, अगर आप ये बात जानना चाहते हो तो इसलिए छोटी सी वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहे। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेंगे दोनों फोन की वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में। तो गाइस बात करें पोको M3 Pro 5G मोबाइल के बारे में, तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलती है एंड दोनों जो वेरिएंट है 14 से 16 हज़ार के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और गाइस इस तरह बात करें Realme 8 5G मोबाइल के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों दोनों जो वेरिएंट है आपको 15 से 17 हज़ार के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो दोनों वेरिएंट के जो प्राइस है लगभग सेम देखने के लिए मिलती है। तो गाइस चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो की एंड में आपको बताएंगे दोनों में से कौन सा फोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों बात करें दोनों फोन डिस्प्ले की साइज एंड क्वालिटी के बारे में, तो पोको M3 Pro में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगी। और गाइस बात करें Realme 8 की, तो यहाँ पर भी 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड यहाँ पर भी 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों बात करें दोनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस के बारे में, तो पोको M3 Pro में 400Hz की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है एंड Realme 8 में 480Hz की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो दोनों डिस्प्ले की जो साइज है एंड जो रिफ्रेश रेट है सेम देखने के लिए मिलती है। तो गाइस बात करें क्वालिटी के बारे में, तो दोनों जो डिस्प्ले है दोनों डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो दोनों डिस्प्ले के बारे में कोई शिकायत नहीं है। और दोस्तों बात करें दोनों फोन के कैमरे के बारे में, तो पोको M3 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलती है 48+2+2 मेगापिक्सल की एंड सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलती है 8 मेगापिक्सल की। और गाइस बात करें Realme 8 की, तो यहां पर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलती है 48+2+2 मेगापिक्सल की एंड दोस्तों सेल्फी कैमरा है 60 मेगापिक्सल की देखने के लिए मिलती है। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो जो रियर कैमरा है एकदम सेम देखने के लिए मिलती है, लेकिन दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है थोड़ा सा अच्छे देखने के लिए मिलती है Realme 8 में। तो दोस्तों दोनों फोन की कैमरे की जो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, दोनों पिक्चर क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत नहीं है। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन सा फोन में कितने एमएच का बैटरी मिलती है एंड इसके साथ कितने वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। तो गाइस जैसे बात करें पोको M3 Pro की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 एमएच का बैटरी मिलती है 18 वाट क्विक चार्जर के साथ। और गाइस बात करें Realme 8 की, तो यहाँ पर भी आपको 5000 एमएच का बैटरी मिलती है 18 वाट क्विक चार्जर के साथ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो दोनों फोन की जो बैटरी है एंड जो चार्जर है एकदम सेम देखने के लिए मिलती है। और गाइस बात करें बैटरी की बैकअप के बारे में, तो दोनों फोन में आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों दोनों फोन के जो प्रोसेसर है एकदम सेम देखने के लिए मिलती है एंड दोनों प्रोसेसर 7 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज पर बेस्ड है। तो दोस्तों बैकअप है दोनों फोन में आपको काफी सेम देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों फोन की प्रोसेसर के बारे में। और दोस्तों जानते होंगे फोन में अच्छे से गेमिंग के लिए एक अच्छे प्रोसेसर होना बहुत जरूरी है। तो गाइस जैसे बात करें पोको M3 Pro की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 700 की प्रोसेसर देखने के लिए मिलती है एंड Realme 8 में भी MediaTek Dimensity 700 की प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस जैसे आप समझ सकते हो दोनों फोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वो आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों बात करें दोनों फोन की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, तो पोको M3 Pro में आपको एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलेगी एंड दोस्तों Realme 8 में भी एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों बात करें सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, तो दोनों फोन में आपको फेस लॉक देखने के लिए मिलेगी एंड दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों हम लोग आ चुके वीडियो की एंड में एंड वीडियो की एंड में बताएंगे दोनों में से कौन सा फोन को लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जानने से पहले, अगर आप वीडियो के अब तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, कि दोस्तों आगे जाके भी इस आपको बहुत सही टेक रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों ये सब देख सकते हो दोनों फोन की जो डिस्प्ले है, जो कैमरा है एंड जो बैटरी है एंड जो प्रोसेसर है सब कुछ एकदम सेम देखने के लिए मिलती है। सिर्फ दोस्तों दोनों फोन की वेरिएंट्स की प्राइस में 1000 की डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ी सी कम है तो पोको M3 Pro आप ले सकते हो, और दोस्तों अगर आप Realme 8 पसंद करते हो तो Realme 8 भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों मेन बात यह है दोनों में से किसी भी फोन को आप ले सकते हो, इसमें दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अच्छी नहीं भी लगी तो क्यों नहीं लगी कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं। और गाइस अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये आपका मर्जी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।